गुड मॉर्निंग। और आपको हमने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के 3 प्लेन के इक्वेशन आपको बताए थे, और उसमें अब आपको यानी कि थर्ड आपके बाद फोर्थ वाला और प्लेन के इक्वेशन को निकालेंगे पार्ट 4 के रूप में, और उसमें आपको 2 प्लेन से जाने वाला और उन दोनों प्लेन के बीच से एक ऐसा प्लेन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से होकर जाएगा उसके लिए आप देखते हैं। ये आपके पास से ये प्लेन और ये एक प्लेन है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से आपको एक और प्लेन जा रहा है जिसका आपको पॉइंट दिया जाएगा, और ये पॉइंट X1, Y1, Z1 होगा, जबकि ये प्लेन P1 और P2 है, और ये नया प्लेन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है। क्वेश्चन ऐसा बनता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स 2x+3y+4z-6=0 एंड 5x-3y+2z+7=0 एंड दिस प्लेन पासिंग पासिंग ए पॉइंट 2, 3-1। ये अब आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट है ये 2, 3-1 है, आपका ये सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इसमें आपको P1 प्लेन आपको दिया गया है 2x+3y+4z-6=0। दूसरा प्लेन आपको दिया गया है 5x+3y+2z+7=0। आपको ये इस प्लेन के लिए इक्वेशन बनेगा P=P1+λP2=0। अब आप P1 की वैल्यू 2x+3y+4z-6+λ, फिर यहाँ पर P2 की वैल्यू 5x+3y+2z+7=0। अब आपको ये प्लेन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इक्वेशन 1 वाला जो प्लेन है ये पासिस थ्रू पॉइंट 2, 3-1, तो आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, पुट 2, 3-1 इन 1, तो ये हो जाएगा आपका P2, x जगह आप 2 रखेंगे, 3 y की जगह 3, 4 z की जगह -1, -6+λ, 5 × 2, 3 × 3+2 × -1+7=0। अब यहाँ पर आपको P 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9 -4 -6+λ 10, 9 -2+7=0, तो ये 4 -4 कैंसिल हो रहा है, 9 -6 3+λ, और यहाँ पर ये 9 -2 7+7 14+10 24=0। अब आपको 24λ = -3, तो λ ये आपको जैसे ये पॉइंट बनता है तो आपको लैम्डा की वैल्यू -3/24 प्राप्त होता है, ये कैंसिल
कैंसिल हो जाएगा, तो -1/8। ये जो -1/8 आया है, ये लैम्डा की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल -1/8 इन 1, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा 2x+3y+4z-6+-1/8, और फिर ये 5x+3y+2z+7=0, 8 का इनटू यहाँ किया जाएगा, 8 2 16x, 8 3 24y, 8 4 32z-8 6 48। अब यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, अब -1 केवल अंदर जाएगा, तो -5x-3y-2z-7=0, 16x-5x-11x-24y-3y-21y-32z और ये -2z, तो 30z-48 और -7, 55-55=0। और इस तरह से ये आपको प्लेन का इक्वेशन प्राप्त हो जाता है, जो दो इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन और जो एक पॉइंट से भी जा रहा है, ये आपको गिवन के रूप में रहेगा और ये आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। आप इसे अच्छे से देखें, इसके बाद एक और आपको प्लेन का इक्वेशन प्राप्त करेंगे, जबकि इस बार जो नया प्लेन का इक्वेशन प्राप्त करेंगे उसमें आपको इन्हीं दो पॉइंट से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन जो इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है, पर इस बार आपको तीसरा प्लेन और दिया जाएगा जो अननोन प्लेन का इक्वेशन है, उस पर वो परपेंडिकुलर होगा। इसे देखिए और आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप इसे ज़रूर देखें अच्छे से और सब्सक्राइब करना ना भूलें।